हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। डू समथिंग एक्साइटिंग से आज का जो हमारा वीडियो है वो लास्ट वीडियो से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमें किन किन मेकअप प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है मेकअप के लिए, और इस वीडियो में हम अभी डिस्कस करेंगे कि मेकअप को कैसे करना है उन प्रोडक्ट के यूज़ के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैक्मे का 925 मूज फाउंडेशन का यूज़ कर रहे हैं, जिसका रिव्यू भी मैंने दिया था आपको, और उसके बाद फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसको रेफ़र भी किया था कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फिर फाउंडेशन की तरह। देखिए, मैं इसको उंगलियों की हेल्प से ही अप्लाई करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसमें हम लोग बहुत कम प्रोडक्ट का यूज़ करके मेकअप को करें। तो देख सकते हैं आप, मैं फिंगर टिप की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। मैंने किसी स्पॉन्ज या फिर ब्रश का ज़रूरत यूज़ नहीं किया है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये काफ़ी हद तक ब्लेंड हो गया है, बस कुछ फॉरहेड पे कुछ मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हैं मैं उनको फिंगर की हेल्प से किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं ये लगभग सेट हो चुका है, बट मैं इसको और ज़्यादा नेचुरल फिनिश देने के लिए एक टच कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये आईज़ पे, आईज़ के नीचे जो वाटर लाइन होती है, आई वाटर लाइन, उसके नीचे हमें बहुत अच्छे से करना होता है। ये जो नोज़ के पास हमारा जो एरिया रहता है, वहाँ पे कई बार प्रोडक्ट रह जाता है, तो उसको भी करना चाहिए। अभी देखिए, मेरा स्विस ब्यूटी का ये लिपस्टिक पैलेट है, जिसको मैं आई शेडो की तरह यूज़ करूँगी। इसमें 10 शेड्स मिल जाते हैं, ये 01 पैलेट है, आप देखिएगा। तो इसमें 10 शेड्स मिल जाते हैं, उसमें मैंने दो न्यूड शेड्स हैं उनको आई शेडो की तरह यूज़ किया है। उसमें जो डार्कर वन है उसको मैं क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी, ताकि मेरी आईज़ को थोड़ी सी डेप्थ मिल पाए, और फिर लाइटर वन को ऊपर अप्लाई करके मैं अपना आई शेडो, आई मेकअप क्रिएट करूँगी। देख सकते हैं आप, मैंने डार्कर वन को यूज़ कर लिया है। अभी मैं दूसरे टाइम पे भी देखिए मैं लाइटर वन को यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं डार्क वाले को किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, स्मज मतलब अच्छे से मर्ज हो जाए वो। और इसमें ये ना स्मज नहीं होता है, क्योंकि पाउडर फिनिश वाले जो आई शेडोज़ रहते हैं उनमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है, इसमें ऐसा नहीं है। आप अप्लाई कीजिए, दैट्स इट। ये देखिए, मैं लाइटर वाले कलर को अप्लाई कर रही हूँ अभी बाउंस करने के लिए, जो मेरे आईज़ का उठा हुआ पार्ट है वहाँ पे। ये देखिए, मैंने नीचे भी थोड़ा सा टच दिया है, ताकि नीचे का जो एरिया है वो ब्लैंक ना लगे। तो अभी देखिए, मैं लिपस्टिक को अप्लाई करूँगी। ये मेरा लैक्मे 925 लिपस्टिक का शेड नंबर 20 और 22 है। इसमें जो दो शेड्स हैं, अभी मुझे ये तो याद नहीं है कि कौन से का कौन सा कलर है, बट हाँ, इसमें 22 जो है वो मर्जेंटा पिंक कलर है, थोड़ा डार्कर। उसको मैं आईज़ के आउटर पार्ट पे यूज़ करूँगी, और जो लाइट कलर है उसको लिप्स के बीच में, तो उससे एक अच्छा लुक क्रिएट होगा। ये देखिए, मैं MN का आईब्रो पेंसिल है, जो कि ब्राउन कलर का है, उसको यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं सिर्फ लाइट हल्का सा शेप करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे आईब्रोज़ पहले से काफ़ी फिल हैं और शेप्ड हैं। तो अभी मैंने आईब्रोज़ नहीं करा सके हैं, आप देख लीजिए, इस टाइम पे मेरा आईब्रोज़ नहीं है, बट मैं हाँ। और इसमें ये जो आईब्रो पेंसिल है, इसमें एक खासियत है कि इसमें साथ में ब्रश भी दे रखा है, तो बहुत अच्छे से कॉम करके मैं उसका बहुत अच्छा सा शेप उसको बहुत अच्छे से सेट कर पा रही हूँ। देखिए, आईब्रो पेंसिल है, काफ़ी अच्छा है और बहुत रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, 30-40 ऐसे रुपीज़ में। ये देखिए, मैंने अपना बिंदी अप्लाई किया और लगभग मेरे फेस का कंप्लीट है लुक। एक्चुअली मैंने इस वीडियो में, आप नोटिस कीजिएगा, मैंने अभी काजल नहीं किया है, मैंने वो मिस कर दिया था। पहले मैंने सोचा था काजल नहीं करूँगी, फिर बाद में मुझे लगा नहीं कर लेना चाहिए। तो आप फाइनल लुक में देख पाएंगे कि मैंने काजल किया है। अभी मैं अपना हेयर बहुत नॉर्मल, जैसे डेली में हम कर सकते हैं, बहुत ही लाइट सा बस क्रिएट कर रही हूँ, थोड़ा सा बाउंस और बस उसके बाद कंप्लीट। ये देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा अभी बस। ये मैंने छोटी सी फ्लिक्स निकाली, लोग पसंद करते हैं, मुझे उतना नहीं है, बट मैं एक ऑप्शन देना चाहती थी आपको कि आप कर सकते हैं इसे। अभी ये जो हेयर्स हैं मेरे, आज मैंने कंडीशनर नहीं किया, एक्चुअली मैं डेली कंडीशनर करना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिल्की होने पे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो देख सकते हैं आप,
नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपने ऑयल और शैम्पू का रिव्यू देना चाहूँगी, जिससे मेरे बालों पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। बाकी पहले तो माशाल्लाह थे मेरे बाल, तो आप चाहें तो अगला वीडियो देख सकते हैं और आपको उसमें रिव्यू मिल जाएगा। ये अभी फाइनल लुक क्रिएट होगा। हाँ फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा कि स्किन को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा ये लुक ट्राई करने से पहले। अगर आपको प्रिपरेशन के लिए कुछ चाहिए हो, नॉलेज चाहिए हो, कुछ जानकारी चाहिए हो कि किस तरह से हमें स्किन को प्रिपेयर करना चाहिए मेकअप करने से पहले, तो आप कमेंट कर सकते